अभिषेक जी, पहला स्टॉक पावर क्षेत्र से होगा, उसमें टाटा पावर हमें पसंद आ रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर ओवरऑल बने हुए टाटा पावर में, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी तेजी की। अपसाइड के टारगेट हम 398 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 378 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंडियन बैंक, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक में देखा है हमने पिछले कई हफ्तों महीनों में। और जिस तरीके से स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस वीकली चार्ट पे एक देखे तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। हमें लगता है 515 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा वो करीब होगा 486 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने का है वो हिंद कॉपर का। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकता है। 296 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड को इनिशिएट करने का 281 के आसपास। ठीक है, तीन शेयर राजेश जी की तरफ से।